वेलकम बैक टू अलमी एंटरटेनमेंट वंस अगेन हाफिजी गोट फार्म पर इब्राहिम भाई के साथ है इस बार। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम सलाम सुफियान भाई। इब्राहिम भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इब्राहिम भाई, सबसे पहले तो इस वीडियो में जो हम दिखा रहे हैं बहुत लाजवाब चीज़ है। एक चीज़ है कि हाफिजी पे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मज़ा आती है, क्योंकि एक से एक क्वालिटी चीज़ निकलती है। तो हाफिज इब्राहिम भाई, आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें बुलाते हो वीडियो शूट करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने दूर से आते हो सिर्फ एक मोहब्बत के लिए। ठीक है इब्राहिम भाई, तो जो दागिना है हमारा नगीना वो दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़, हैदराबादी बकरा है और जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीड लाइन से है। अच्छा इब्राहिम भाई, सबसे पहले जी ये छोटा बच्चा लिया था हमने। जी छोटा बच्चा लिया था। ओके, तीन बच्चे लिए थे। हाँ, जो दो बच्चे थे ना जी इन महीने के तब सेल कर दिए थे, तब बेच दिए थे। अभी ये 10.5 महीने का हुआ आज। 10.5 महीने का? अभी 10.5 महीने का हुआ। 10.5 महीने का आज कम्प्लीट। 10.5 महीने का है। 34 की हाइट है। 34 हाइट है। 16 इंच के कान है और 7.5 इंच की चकलान है। 16 इंच कान की लंबाई है। पौने सात इंच की चकलान है। माशाल्लाह इब्राहिम भाई, ये हमें सेल करना है जी, सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए निकालो है इब्राहिम भाई। हैदराबाद जो ज़्यादातर ये एज में आपके हिसाब से जी कान की लेंथ कितनी रहनी चाहिए, कितनी अच्छी गिनी जाती है? ब्रीड लाइन के ऊपर भी मैटर करता है। ये कौन सी ब्रीड लाइन है? ये जाफरान ब्रीड लाइन। जाफरान ब्रीड लाइन। और इसका जो बाप है तो बहुत नामचीन बकरा है जिसका नाम है पेट्रोल। पेट्रोल वेरी फेमस गोट अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी अच्छा। माँ की लाइन भी आरडीएक्स है। आरडीएक्स है। इसकी माँ का नाम है स्टार। स्टार। और इसका नाम इब्राहिम भाई, इसका नाम है जावा। इसका नाम है जावा। ये जावा आपने रखा था पहले से था? नहीं मैंने रखा है। आपने ही रखा था जावा? माशाल्लाह। पंच फेस में इसका पंच फेस भी देख लो आप, बिना हाथ लगाए। अभी बच्चा है, अभी तो 10 महीने का है। हाँ। इब्राहिम भाई इसकी आईज जो है बहुत वाइट है, ज्यादा एक्सट्रीम वाइट। माशाल्लाह बहुत ही पक्की नस्ल। और रोमन नोज, एकदम प्योर ब्लड लाइन। ओके इब्राहिम भाई, कितना वेट रहेगा अभी अंदाजित अप्रोक्सीमेट आपके हिसाब से? वेट तो अभी किया नहीं है, फिर भी जिसको चाहिए वेट करके बता देंगे। ठीक है इब्राहिम भाई, ये आपके हिसाब से ब्रीडिंग लाइन के लिए, ब्रीडिंग लाइन का ही बकरा कब तक रेडी हो जाएगा? दो दांत के, अगर कोई लेता है दो दांत के बाद। अभी तो दांत काफी छोटे हैं जो हमने देखे, बच्चा है। अभी 5-6 महीने और निकलेंगे ना, उसके बाद कंप्लीट रेडी हो जाएगा। इब्राहिम भाई इसका जो जो ब्लड लाइन का ये बकरा है जी, तो जो इसने अपने नाम बताया उसके फादर का नाम पेट्रोल। पेट्रोल उसके कान कितने थे? 18 कान थे। तो मेरे को तो लगता है इब्राहिम भाई ये ज्यादा जाएगा। इंशाल्लाह ज्यादा जाएगा, है ना? उम्मीद है अल्लाह से, क्योंकि हाँ अभी क्या 10.5 महीने का है, 16 इंच के कान है और वही पौने सात। अच्छा इब्राहिम भाई कान खोल के दिखा दे, कोई चिपटी चपटी नहीं है? कोई चिपटी नहीं, एकदम खुले कान और पट्टी भी नहीं लगाई है। ओके खुले कान है। ठीक है कोई बात नहीं है, छोड़ दो नहीं इब्राहिम भाई, छोड़ दो। चलने फिरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी हाफिजी गोट फार्म जो है वो कमिटमेंट करके ही चीज़ देते हैं, अगर कोई कोई प्रॉब्लम वाली हो तो पहले से बता देते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेचते किसी को कि जिसमें कोई प्रॉब्लम नुक्स हो, है ना इब्राहिम भाई? बिल्कुल गारंटी वाली चीज़ें इंशाल्लाह देंगे। माशाल्लाह बहुत प्लेफुल है इब्राहिम भाई। इसकी प्राइस के बारे में हम पर्सनल में बताएंगे, पर्सनल में इंशाल्लाह बता देंगे। लेकिन ये एक जो क्वालिटी जानता है उसको मालूम है क्या रेट रहेगा जी। बिल्कुल इस हिसाब से क्या इंशाल्लाह प्राइवेट में जो भी इंटरेस्टेड है जी कॉल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इब्राहिम भाई, एक चीज और कहूंगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया अपने शाबाश भाई जो है जी, शाबाश भाई से हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं पूरे सूरत में, तो वो भी करवा देंगे इंशाल्लाह। इब्राहिम भाई आपके हिसाब से, अच्छा इब्राहिम भाई आप हैदराबाद में, आप ज्यादा पतिरा में काम करते हो, पतिरा में मेरा ज्यादा काम है, इसीलिए इसको बेच देना है, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है? अभी हैदराबादी बकरियां ज्यादा नहीं है जी, इसके लिए ठीक है। ब्रीडर है
एक दो बकरी है, इरादा हो रहा है इंशाल्लाह सेलिंग का, इसलिए अभी क्या पतिरा पे ही अपना ज्यादा फोकस है जी, इसलिए बाकी कोई इरादा नहीं है। हाँ वही, ताकि इसीलिए पूछा कि लोगों को ऐसा ना लगे के लिए। हाँ वो लास्ट मंथ तो यही बताएगा, पतिरा में ही फोकस है जी जी, इसके लिए इंशाल्लाह इसको सेलिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बहुत प्यारी चीज और प्योर ब्लड लाइन में हैदराबाद में आप पंच देख सकते हैं, इसका आईज देख सकते हैं, कान की चकलान कोई चिपटी चपटी नहीं है कानों में, और माशाल्लाह एकदम प्लेफुल बकरा है। इब्राहिम भाई, हैदराबाद वैसे बहुत गर्म रहते हैं, ये ऑलरेडी गर्म ही है, हालांकि अभी अदंत है, अभी इसको फिर भी नहीं किया। हाँ हाँ, जब चालू होगा ना बकरे जो भी है सुफियान भाई, चार छह दांत के बाद ही रुबाब में आते हैं, चार छह दांत के बाद ही आते हैं, फिर भी अभी आप इसका रुबाब देख लो। अभी तक इब्राहिम भाई हम लोग ने इसका ब्लीडिंग नहीं करवाया, अभी बच्चा है ना, अभी बच्चा अभी नहीं करवाया, तो इसका कोई रिजल्ट के लिए ना पूछे, क्योंकि अभी ये खुद एक बच्चा है और इसका ब्रीडिंग अभी करवाया नहीं है, जिसको करना हो दो दांत के बाद, मतलब अभी समझ लो कम से कम चार महीना है ना, चार महीना के बाद बकरा, चार से पांच महीने के बाद ही बकरा, मतलब चौदह महीने के बाद जो दांत निकालते हैं तो तभी उसी के बाद करना चाहिए। ठीक है, चलिए इब्राहिम भाई तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, और जिसको भी इंटरेस्ट हो वो इंटरेस्टेड पर्सन इब्राहिम भाई का नंबर है, स्क्रीनशॉट ले, व्हाट्सएप भेजे, फोन करे, जो भी हो इब्राहिम भाई से सीधा कांटेक्ट कर ले। एक चीज़ पर्सनली बताऊंगा, बहुत क्वालिटी चीज़ है, जिसको भी हैदराबाद में जो लोग काम कर रहे हैं, एक चीज़ है इब्राहिम भाई के एक मैसेज हम लोगों को देंगे कि बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, देखते भी हैं, घूमते भी हैं, खरीदने भी जाते हैं, तो उनके लिए एक यही चीज़ है कि भाई क्वालिटी में काम करो, क्वालिटी में काम करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके उसका, और दिल को भी एक खुशी मिलती है, क्वालिटी में काम करो, अच्छी चीज पालो, उसे अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, और हैदराबाद में इतने एक्सपेंसिव रहते हैं, फिर लोग उसका इतना केयर नहीं करते, तो वो करना जरूरी है। चलिए इब्राहिम भाई, तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह, जिसको भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड पर्सन हो, इब्राहिम भाई को कॉन्टेक्ट करें, इब्राहिम भाई का नंबर दिया है स्क्रीन पर, इब्राहिम भाई को कॉन्टेक्ट कर ले, और इब्राहिम भाई से पूरा डिटेल्स, इब्राहिम भाई जो भी कान का हाइट का लेंथ का वीडियो पर्सनल में जिसको चाहिए उनको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम।